संतान रेखा से संबंधित सामान्य मत यह है कि बुध पर्वत पर कनिष्ठा उंगली की ओर से आकर विवाह रेखा को छूने वाली रेखा संतान रेखा होती है। ये एक बड़ा साधारण मत है, कुछ लोग इसको मानते हैं। यहां पर इस जगह पर छोटी छोटी पतली रेखाएं होती हैं, इसको संतान रेखा मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान हृदय रेखा के अंत में स्थित गौपुच्छ रेखाओं को संतान रेखा मानते हैं। इस जगह पर कुछ लोग यहाँ पर भी, मंगल के यहाँ पर भी, इसको भी संतान रेखा मानते हैं। साउथ इंडिया में इसको मानते हैं बहुत ज्यादा, ये वाला। और एक है, एक अन्य मतानुसार अंगूठे के मूल में स्थित जंजीराकार रेखाएं संतानों की संख्या प्रदर्शित करती हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। लेकिन सॉरी, मेरा व्यक्तिगत रूप बताता है कि ये वाला मत सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, अंगूठे के मूल में, अंगूठा का निचला जो पोर्शन है जहां पर अंगूठा का जॉइंट होता है, वहां पर इस तरह से सैकल की तरह वो बनता है, सैकल की तरह इस तरह से छोटे छोटे द्वीप बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आप लोग अपने हाथ में भी देख सकते हैं, एकदम प्रोमिनेंट वहां पर द्वीप दिखेगा ही दिखेगा। कई हाथों में ये होता ही नहीं है। छोटी जो कनिष्का के नीचे विवाह रेखा के ऊपर ये होता ही नहीं, ये भी कईयों में नहीं आता है, साफ होता बिल्कुल आप, तब उनके हाथ में ये वाला पोर्शन देखना पड़ता है। अरे कुछ हाथ ऐसे भी आएंगे जहां पर ये वाला पोर्शन भी नहीं रहेगा, तब हमें, अगर ये नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा, अगर संतान रहेगा तो ये वाला आएगा। तो हमें मेनली जो है विवाह रेखा के ऊपर वाली इस वाले जगह को देखना है और इस वाले जगह को देखना है। इसमें इसमें तो और भी पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, कितने लड़के हैं, कितने कितनी लड़कियां हैं और कितने बच्चे हैं। अगर बड़ा द्वीप है तो पुत्र संतान, और छोटा द्वीप है तो कन्या संतान। ठीक है, ये बड़ा सिंपल लॉजिक है और इसको अप्लाई करना आपको दिखेगा, आपको बड़ा मैच होगा। बाकी आज के डेट में तो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन आपके जो रेगुलर वाइज अगर देखना है, रेगुलर चेक करते रहना है हाथ में, तो ये संतान को दिखाता है, और संतान कन्या संतान होगी या पुत्र संतान होगी, इससे आराम से वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, कुछ हस्तरेखा शास्त्र अंगूठे के मूल में स्थित खड़ी रेखाओं को संतान की संख्या बताते हैं, परंतु मेरा मत है कि रेखाएं परिवार में भाई बहनों की संख्या बताती हैं। अंगूठे के मूल में इस जगह पर जहां पर ये सैकल वाला हिस्सा बना हुआ है, ठीक उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से सीधी रेखाएं आती है, ये भाई बहनों की संख्या बताती है, कितने भाई बहन होंगे। ठीक है, ये मत ठीक है, ये इसमें आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भाई बहन हो सकते हैं, वो यहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे जॉन सर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ रह गए। तबीयत ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं पता। प्रथम मत ही ज्यादातर प्रभावशाली है कि कनिष्ठा उंगली के नीचे, मतलब हृदय रेखा को छूने वाली रेखाएं संतान रेखाएं कहलाती हैं, और इसको बुध पर्वत का कनिष्ठा के मूल से विवाह रेखा की ओर अग्रसर खड़ी रेखाएं संतान रेखाएं होती हैं। ऊपर की ओर निकलने वाली या ऊपर से नीचे की ओर निकलने वाली रेखाएं, यहां पर देखिए बुक में दिया हुआ है, इस तरह से टच है। ठीक है, लेकिन कहीं हाथों में टच नहीं रहेगा, या कोई एक टच रहेगा। तो यहाँ पर सबसे कनेक्शन ये निकालना है, अगर कोई रेखा इसमें से टच करके जा रही है तो ये संतान योग है, और छोटी रेखाएं जो टच नहीं हो रही है, ऊपर से सिर्फ यहां से निकल जा रही है, वो मिस कैरेज को दिखाता है, या संतान होकर भी नहीं होना इसको भी दिखाती है। पेज नंबर 178 में है फर्स्ट पॉइंट, संतान रेखाओं की संख्या के अनुसार ही संतानों की संख्या होती है। जो मैंने बताया जितनी रेखाएं होंगी उस हिसाब से होती हैं, और जितने द्वीप होंगे अंगूठे के मूल में उस हिसाब से भी होता है। वो तो परमानेंट है, मतलब ये वाला इतना मैंने इतने लोगों के हाथ में अप्लाई किया हुआ है, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब वीडियो में देखेंगे तो
तो मैंने इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से बताया यहाँ। दूसरा पॉइंट है, जो रेखाएं विवाह रेखा को छूती हैं वही संतान रेखाएं होती हैं, और जो रेखाएं विवाह रेखा को नहीं छूती छू पाती वह रेखा गर्भपात होने की सूचना देती है। जैसा मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वो गर्भपात देती है, मिस कैरेज करवाती। तो अब तक यहाँ पर हमारी जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो एक बार अपना पीछे का देख सकते हैं, जैसे रीमा जी, पंकज जी, देखिए आपके हाथ में अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो। संतान रेखा पर कोई भी दोष युक्त स्थित संतान को कष्ट या हानि की सूचना देती है। यानी कि अगर कोई रेखा इस तरह से बनी है और उसमें कट आ गया है तो संतान की हेल्थ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस तरह का कट आ जाए तो उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। ये भी जिनके हाथ में होता है वो ही दिखता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत रेयरली पता चलता है। अगर यहाँ भी हो या यहाँ पर अंगूठे के मूल में इस जगह पर द्वीप बना हो और इसको इस तरह से कोई रेखा काट रही है तो भी संतान की सेहत को लेकर जो माता पिता हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। नहीं है सर, नहीं है सर। यस सर, लिटिल अच्छा, आप लोग पहले ये मैच कराइए कि अंगूठे के नीचे वाला ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है या सॉरी छोटी वाली उंगली के नीचे वाला प्रोमिनेंट आ रहा है, कौन सा? अंगूठा वाला। अंगूठा वाला प्रोमिनेंट। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने देखा अंगूठे के नीचे वाला ही सबसे ज्यादा सही दिखता है। और वो छोटी वाली उंगली के नीचे हर किसी के हाथ में नहीं होता, वहां पर किसी किसी का दिखता है, किसी किसी का नहीं होता। अगला पॉइंट, कुछ हस्त रेखाविदों का मत है कि संतान रेखाएं जातक में संतान उत्पत्ति की क्षमता होने की सूचना देती है। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, ये इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। हृदय रेखा के प्रारंभ में स्थित गौपुच्छाकार रेखाएं भी जातक में संतान उत्पत्ति की क्षमता होने की सूचना देती है। यस, ये पॉइंट है। गौपुच्छ मतलब कि हृदय रेखा के यहाँ पर इस तरह से दो तीन रेखाएं इस तरह से कनेक्ट होती हुई बन रही है, तो ऐसे इंसान के अंदर जो है बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी होती है। दे नॉट इम्पोर्टेंट, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए अप्लाइड है। संतान पैदा होने से पूर्व ज्योतिषी द्वारा संतान की जातक की संतान का लिंग निर्धारण से संबंधित फलादेश करना ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार अनुचित या पापकृत है। पापकृत कुछ नहीं है, मैं क्या बोलूं अब। अगर आपको दोनों से प्यार है, मतलब लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जानना जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर लड़का लड़का करना है तो फिर उनको बताना नहीं है।